दोस्तों क्या आपके मोबाइल में भी इंटरनेट चल रहा है लेकिन कॉल नहीं लग रहा है, कॉल ऑटोमेटिकली एंडेड हो रहा है, मतलब ऑटोमेटिकली कॉल जो है वो कट जाता है? यह दोस्तों हमारे मोबाइल में जाने अनजाने में कुछ सेटिंग्स जो है ऑन या ऑफ हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा जो कॉल है वो जब हम डाटा चालू रहता है यानी इंटरनेट चल रहा होता है तब कॉल लगाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली कट जाता है, अपने आप कट जाता है, जिसकी वजह से गाइज हम जो है बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो ऑटोमेटिकली कॉल एंडेड प्रॉब्लम है उसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, अपने मोबाइल की जो सेटिंग्स है उनको आप कैसे सही कर सकते हैं, जिससे कि जब आप इंटरनेट चला रहे होंगे तो कॉल लग जाएगा, कॉल ऑटोमेटिकली नहीं कटेगा, आप काटोगे तभी कटेगा और कॉल एंडेड प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरी चीजें बताने वाला हूँ, पूरी सेटिंग्स बताने वाला हूँ कि कैसे आपको अपनी सेटिंग्स को वापस से ठीक करना है। तो हे गाइज, माय नेम इज धर्मेंद्र कुमार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं, इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक भी कर लेना। तो चलिए गाइज मोबाइल की स्क्रीन पर चलते हैं और वहां पर देखते हैं कैसे आपको सेटिंग्स को वापस से सही करना है। तो गाइज आपको अपने मोबाइल में सबसे पहले जाना है अपने सेटिंग्स में। तो यहाँ पर मैं अपने सेटिंग्स को ओपन कर लेता हूँ। सेटिंग्स में जाने के बाद में गाइज आपको यहाँ पर एक सर्च का ऑप्शन मिल जाता है सबसे ऊपर, आपको सेटिंग्स के नीचे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा सर्च बार, तो इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है नेटवर्क। जैसे कि मैं भी नेटवर्क सर्च कर रहा हूँ, तो जैसे ही आप नेटवर्क यहाँ पर सर्च करेंगे तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। यहाँ पर गाइज आपको रीसेट नेटवर्क सेटिंग्स करके एक ऑप्शन मिलेगा, हर मोबाइल में आपको ये अलग अलग प्लेस पर मिल सकता है, तो ये ऑप्शन आपको यहाँ पर देख लेना है। रीसेट नेटवर्क सेटिंग्स के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में गाइज आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको फिर से एक रीसेट नेटवर्क सेटिंग्स का ऑप्शन मिल रहा है, इस ऑप्शन पर गाइज आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपसे अपने मोबाइल का जो पासवर्ड है या फिर आपने जो फिंगर लॉक लगा रखा है वो मांगेगा, तो आपको यहाँ पर अपना पासवर्ड जो है वो इनपुट कर देना है। उसके बाद में गाइज यहाँ पर आपको जो है रीसेट नेटवर्क सेटिंग्स करके फिर से एक पॉपअप ओपन हो रहा है, तो यहाँ पर आपको इस पर क्लिक कर देना है। और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो भी नेटवर्क सेटिंग्स थी जो आपके मोबाइल के साथ में डिफ़ॉल्ट आई थी वो की वो हो जाएगी, यानी आपसे जो भी कोई गलती हुई है सेटिंग्स में वो आपकी यहाँ से जो है फिक्स हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हो नेटवर्क रीसेट कंप्लीटेड, यानी जो हमारी सेटिंग्स थी नेटवर्क्स की वो यहाँ से रीसेट हो चुकी है। तो अब आपकी जो समस्या थी, जो आपकी प्रॉब्लम थी, वो कम्प्लीटली सॉल्व हो चुकी है। तो इस तरीके से आप अपने नेटवर्क सेटिंग्स को रीसेट कर सकते हैं और जो आपकी जो समस्या है, कोई भी प्रॉब्लम हो नेटवर्क से रिलेटेड, वो आपकी यहाँ से सॉल्व हो जाएगी। तो गाइस इस तरीके से आप अपने मोबाइल में ऑटोमेटिकली कॉल कटने की समस्या को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना, क्योंकि मैं इसी तरीके की यूट्यूब और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूँ। तो चलिए गाइस इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।